समस्तीपुर के हरदासपुर दियारा इलाके में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि फसल काटने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। घटना के बाद पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पप्पू जुड़ चुके हैं। पप्पू, जमीन विवाद में ये पूरा मामला सामने आया है, क्या कुछ निकलकर पुलिस की तरफ से सामने आया है? पप्पू, मैं बता दूं कि ये हरदासपुर दियारा इलाके की घटना है और दो गुटों में जमीनी विवाद को लेकर जम के गोलीबारी हुई, जिसमें एक विद्या राय जो है उनकी मृत्यु हो गई है और दूसरा के बारे में घायल बताया जा रहा है, जिनको की बख्तियारपुर के निजी अस्पताल में इलाज की सूचना मिल रही है। जी पप्पू, दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई है, पुलिस ने किसी गिरफ्तारी की है अब तक? जी अभी तक पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है, बट वहां पे कैंप किए हुए है पुलिस और छापेमारी लगातार चल रही है पुलिस की तरफ से। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से बता दें, जमीन विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, फिलहाल पुलिस इसको लेकर छापेमारी कर रही है। जहानाबाद जिले के सुमेरा गांव में जेडीयू नेता निर्भय कुमार के घर से लाखों रुपए की चोरी हुई है। जेडीयू नेता ने कहा कि उनका परिवार घर में ताला मारकर बाहर गया हुआ था, इस दौरान चोरों ने आभूषण सहित अन्य कीमती सामानों की चोरी कर ली। मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। चोरी में तो सर हम तो मतलब वही स्वर्ण मतलब सोना उना का जेवर उवर सब था, सब गया है, कुछ नगद गया है, माँ आ रही है पटना में, माँ रहती है तो माँ आ रही है तो फिर और ज़्यादा पता चलेगा कि क्या क्या गया है, तो डिटेल्स। चोरी के पीछे जैसे हम अभी 3 दिन से आए हुए हैं जहानाबाद में और हमको कल गांव आना था, रात में हमको गांव ही ठहरना था, रुकना था, तो अब क्या उद्देश्य है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आम आदमी तो क्या, अब नेता भी इसके शिकार बन रहे हैं, लाखों की चोरी हुई है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ सामने आया है अब तक, क्या सफलता हाथ लगी? जहानाबाद में चोरों का उत्पाद ही जोरों पर है, कई इलाकों में सुनसान घरों को देखकर चोर अपने निशाने बना रहे हैं। इसी के तहत मखदुमपुर थाना क्षेत्र के जैतू नेता के घर में चोरी हुआ है, लाखों की संपत्ति को चोरी बताया जा रहा है। जी तो क्या पुलिस को अब तक सफलता हाथ लगी है, जिसने भी इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है, क्या पुलिस की गिरफ्त में वो आया अब तक? हाँ, कुछ दिन पहले 3 चोरों को पुलिस ने तेहता को एक दुकान से चोरी करते हुए गिरफ्तार किया गया था। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, जहानाबाद का ये पूरा मामला है जहां जेडीयू नेता के घर में ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। और बिहार में इन दिनों अपराधियों के सामने पुलिस लाचार नजर आ रही है, आए दिन अपराधी लूट, छिनतई और हत्या जैसे अपराध को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। ताज़ा मामला पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र का है, जहां अपराधी एक व्यक्ति के घर में घुसकर चोरी कर रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी विजय यादव ने एक चोर को धर दबोचा, जिसके बाद अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पड़ोसी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई है। बाहर से आवाज आया चोर, तो हम लोग गेट खोले तो गेट बाहर से बंद था, जैसे चिल्लाते चिल्लाते बाहर से लोग गए, दरवाजा खोले तो हम लोग दरवाजा खोल, वो लोग खोले तो हम लोग देखे, बोले कि जल्दी चलो 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 बाहर चलो, चाबी निकालो, चाबी निकाल ले गए माँ के रूम से, तो माँ जो उस रूम में सोई हुई थी तो उस रूम में गेट खोले तो वो लोग भी अंदर से खूब बौखलाई हुई थी कि हल्ला काय हो रहा, चाबी निकाले तो बगल वाला 2 रूम था उसमें कुछ भी नहीं था, वो पेटी उटी था ताला। सरायकेला खरसावा जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के पास एक अनियंत्रित ट्रक पलट गई। बताया जा रहा है कि रामगढ़ के से कोयला डस्ट लेकर जमशेदपुर जाने के क्रम में अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गई। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि ट्रक पलटने से किसी तरह का कोई हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। मटी रोड में खेड़बोन में ट्रक पलटी हो गई है, उसमें वो डस्ट लोड है, डस्ट पूरा मैंने बिखर गया है पूरा नीचे, और
मैंने उसमें बम्पर भी लगा हुआ है रोड में, फिर भी इसमें मैंने बहुत बार ऐसा घटना हो गया होता। दानापुर के आरपीएस मोड़ के पास एक दुकान में अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में आग लगी है। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह से लगभग 10 लाख का नुकसान हुआ है। मुझे पता नहीं है कैसे लगी है, लेकिन हम दुकान 8:30 बजे बंद करके जब यहाँ से गए तो हमें मुझे फोन आया कि दुकान से आपका धुआं निकल रहा है। अच्छा। जब हम वहाँ दुकान पे आए तो आग लग चुका था। किसके द्वारा आपको सूचित? किराना दुकान वाले बगल वाले मेरे मैम साहब के, मेरा मकान मालिक द्वारा। धुआं निकल रहा था। अच्छा। हम सूचित किए इनको, ये बेचारे घर चले गए थे, आए हैं, फिर हम फायर ब्रिगेड सबको फोन ये पूरा मामला दानापुर का है, जहां आरपीएस मोड़ के पास एक दुकान में आग लग गई है। आग लगने से इलाके में सनसनी फैल गई, वजह शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के कारण पूरे दुकान में आग लग गई है। आपको बता दें कि इस पूरी घटना में करीबन 10 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ये दानापुर का पूरा मामला है। आरपीएस मोड़ की ये तस्वीर है, जहां दुकान में भीषण तरीके से आग लग गई है। दमकल के कर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पर आग की लपटें इतनी तेज है कि 10 लाख रुपए का करीबन जो है जलकर राख हो गए हैं। भारी नुकसान दुकानदार को हुआ है। तो आपको बता दें, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं एक बार फिर आग की लपटें इतनी तेज हैं, दुकान में आग लगी है। पूरा मामला दानापुर के आरपीएस मोड़ का है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं आग लगने से भारी नुकसान हुआ है, करीबन 10 लाख रुपए जो है जलकर जो है राख हो गए हैं। दुकानदार ने बताया है कि शॉर्ट सर्किट के कारण इस दुकान में आग लगी थी।